पाकिस्तान के जज्बाती मजीद के रहनुमा एम पी ए शहीद अब्दुलवाद 14 दिसंबर 1959 ईस्वी को सिद्दीकोट मजीद कराची में हाजी मुराद अली करमती बलोच के घर पैदा हुए। एम पी ए शहीद अब्दुलवाद बलोच को उनकी आवाम दोस्त इनकलाबी जिद्दोजहद की बदौलत सिर्फ 45 साल की उम्र में 6 मार्च 2004 ईस्वी को शहीद किया गया। उनके हमला जवान साथ ड्राइवर हनीफ हम्मल भी शहीद किए गए। शहीद अब्दुलवाद अपनी बहादुरी और पॉलिटिकल कमिटमेंट की बदौलत एक पॉलिटिकल लीजेंड और स्टैंडर्ड बन चुके हैं। मंदिर के लोग सदियों तक अपनी सजीव एनिमा को खराज तहसीन पेश करते रहेंगे। एम पी ए शहीद अब्दुलवाद की रूह मौजूदा पार्टी लीडर्स और कारकुनान तवक्को रखती है कि वो शौदा की कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं देंगे। आइए आज हम शौदा मलिक की 5वीं यौम शहादत पर एम पी ए शहीद अब्दुलवाद बलोच के अफकार नजरियात को उनकी जबानें सुनें और उनके मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने का अहद करें। मेरे माओ बहनों अस्सलाम वालेकुम। जी पुत्रो, जी बेन जी साहबा, जी जी और मेरा नाम अब्दुलवाद है। मैं सिद्दीकोट में रहता हूँ, अब्दुलवाद में ही हूँ। क्योंकि एक दिन आपने बहुत नाम सुना होगा कि पता नहीं क्या बदमाश है क्या है, यकीन जानिए वो मुझे उस इलाके से बहुत मोहब्बत है क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हूँ। सिद्दीकोट में रहता हूँ, आज भी रहता हूँ। अरे बाम की गली में चला गया हूँ जहाँ मिल्ला ने मैं तालीम हासिल की, उनकी मेहरबानी है। तो मिल्ला की आज मैं आपके सामने कुछ बोलने के काबिल हो गया। लोगों को बताना कि अगर हमने हमें वोट नहीं दोगे
तो हम आपके घर बिठा देंगे, घर मुसमार कर देंगे। अगर किसी लीडर में किसी भी पीड़ित पार्टी के जाने को और किसी आवाम को मेरे नाम से देखा किसी ने, हम उसकी आंखें निकाल देंगे। और दोस्तों 10 तारीख को गुजरने दो, फिर 11 तारीख को हम भी इनका चरण को दिखा देंगे। 10 तारीख निकलने दो, फिर हम देखेंगे कि ये लोग बुला रहे हैं कि ये हमारे जिन साथियों को कंगले कहते हैं, लोड़ी कहते हैं, कमरानी सीधी कहते हैं, यही कमरानी सीधी इनको दिखा देंगे। दिन में तारे दिखा देंगे इनको। रात को अपनी की बात मलिर ने आज भी भुट्टो सरदार पे और बेनजीर भुट्टो पे एतमाद किया है और हम जैसे साक्षात के बेटे को शेवर दौर जैसे लोगों को भी कामयाब किया है। ये भुट्टो का एहसान हम जैसे छोटे लोग जब इलेक्शन कंपेन में गए सरकार, तो यहां हमारे साथ ये गरीब मिस्कीन लोग थे जिनके पैरों में जूते नहीं थे, जिनके कपड़ों में बड़ी चेहरे लगी हुई थी, उन्होंने हमारा साथ दिया। और इस बलीर के जितने भी वडेरे थे, जितने भी तुम्हें कलन मौत थे, वो हम पे कचूलियां करते थे, मजाक बनाते थे, इतना तो आ चुका है, इतना आ चुका है, लेकिन आपने बता दिया मलिर के आवाम ने कि हम चाहते हैं सिर्फ बच्चों कांधाम को चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को चाहते हैं, पीपल्स पार्टी के नाम पे कोई भी आए उसको हम जीत के भेजेंगे। उन्होंने ये साबित किया, इन्होंने ये साबित किया मलिर के दोस्तों ने, मलिर के आवाम ने कि अब्दुल्ला है, ख्वाजा अहमद आवान आए, प्रोफेसर शाह अहनिकान साहब आए, अब्दुल अजीज सीधना हो या जाफरी हो, साथे जो भी हो, इनको हम नहीं बचाते, हम बचाते हैं तो भुट्टों के तिरंगे झंडे को और तीर को बचाते हैं। मलिर जा चार अहम मसला है जो तलब है पक्का पैरी अकाली कर जमीन मारे थी बजरी छोड़ी वर्दी में केएसी स्टाफ केएसी जिकल के हवाले से व्यापी असाजे इन बारियन में हेपेटाइटिस जो मर्ज लाइलाज मर्ज बाकी तालीम के हवाले से जिका तीन स्कूल कॉलेज जवाब तालीम के हवाले से अब्दुल्ला चाहे पी हो ना हो हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे मेरा रिश्तेदार है, हेडमास्टर हो, टीचर हो, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। हम यहाँ स्टेज पे ये ध्यान करते हैं मैं राज जोशी साहब से शेवर दल साहब के कि आपका फर्ज है, क्योंकि असेंबली में आपके पास ये पावर है कि आप किसी भी स्कूल का दौरा कर सकते हैं। अगर उस स्कूल के आगे पीछे आप उतमेन नहीं है तो हम सारे ग्राम उन्हें मैक्सिमम क्लास आप ले सकते हैं ताकि वो डिपार्टमेंट उसमें आगे भी कार्रवाई करे। मैं आज इस फोरम से हमारी जो स्कूल है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और जरा मुराद अली कॉलेज जो भी स्कूल हमारे जिला मलिर में मेरे हल्के में जमन जुगे के हल्के में हम उनसे दरखास्त करते हैं कि ये बच्चे आपके बच्चे आपके मेहमान हैं आपके कौन के बच्चे, अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो आपका फायदा होगा, इस शहर का फायदा होगा, इस मुल्क का फायदा होगा, इस रोजगारी का फायदा होगा। दोबारा कंप्रोमाइज भाई तालीम के हवाले से ना करें क्योंकि तालीम की आज जरूरत है, आज जरूरत है, कल जरूरत है। अगर आपने इससे बहुत थोड़ी सी कोताही की तो यकीन ये कहूँ कि बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। गर्ल्स स्कूल मौजूद है दोस्तों, मैं उस पर विजिट करने गया, मुझे शर्म आई, मैं कोई बड़ा तालीम वक्ता नहीं हूं लेकिन चूंकि समाजी तंजीम में रहा हूं थोड़ा बहुत काम जानता, ज्यादा नहीं जानता। एक हमारी बहन या हमारी बेटी जो है वो इंटर क्लास में, दो लड़कियां फर्स्ट ईयर में और स्कूल काल मेमन गोड में बादशाह लोग मौजूद है, कहते हैं कि मेमन गोड टीके बाड़िया से बहुत जो है वो खुशहाल है लेकिन मुझे वहां कुछ नजर नहीं आया। अब मैं इस हवाले से मैडम जी बैठी हुई है, हम बता देना चाहते हैं कि इस स्कूल का हालत हमें सही करना है। हमारे पास एडीएम मौजूद है यहाँ, हमारे पास सीनियर टीचर्स मौजूद है और हमारा तालीमी माहौल बता हमारा तावेज मैं जो है वहां पे सामने क्यों मैं आपसे सवाल करता हूं जो
معاشرے کا ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. کبھی دیکھ رہے ہیں تعلیمی حالات میں اسی تعلیمی اداروں سے ہمیں لیڈرشپ بلڈ کرنی ہے, ہمیں اس قوم کے ممبر پیدا کر رہے ہیں. ہمارے بچے اسکول کا ہوا آتا ہے لیکن اس اسکول کو آپ دیکھیں کیا حال. دوستوں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں مجھے ایم پی اے سے زیادہ تعلیم کے لیے طالب علم کی زندگی زیادہ عزیز ہے اور اس میں ہم نے سرپا کرنے کا کام کیا اور پہلی بار سرپا کر کے اسی میں پہلی بار لڑکیاں بورڈ کی امتحان دیا اور ملیا میں ہمارا حال کیا. شہر کے ساتھ ہر چیز کی سہولت موجود, بجلی ہے, گیس ہے, ٹیلی فون ہے, لیڈرشپ ہے, بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں. ہم جہاں آئیں کی عید کریں میرن گوڑ کے دوستوں سے میری درخواست ہے یہ ہاسپٹل بھی آپ کا ہے اور یہ اسکول کالج بھی آپ کا ہے. گرلس بھی اور بوائز بھی اس کی ہمیں درستی کرنی پڑے گی. جو بھی تعلیم کے حوالے سے جو کردار ہیں ان کو ہمیں سے کرنا پڑے گا. اگر جو بھی یہاں ہمارا ٹاپک چلے گا تو یہاں اتنے اسکولوں میں وہ نہیں رہے گا. اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ہمارے وہ بچے جو اچھے نمبر پر پاس ہوتے ہیں تو میڈیکل کالج میں داخلے ملتے ہیں اور وہ جو انجینئرنگ کر کے آتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو تو ہمیں انجینئرنگ کالج سے داخلے مل جائیں گے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی ہے آج تک 96 سے لے کے آج تک کسی بھی بچے نے انجینئرنگ کالج میں یا میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملا. دوستو یہ فرق ہے پاکستان میں جہاں ملیز ہیں اب ڈاکٹر کی جو ہے وہ 40% پھیل چکی ہے. ہمیں اب چاہیے جن کو ہو چکا ہے ان کا بہتر علاج ہو جائے, اگر جن کو نہیں ہو چکا ہے ایجوکیشن ایپ کے حوالے سے آئیں دوستو جنہیں کے دوستو ہمارے کے ساتھ ہی ہو آج دوسرے لوگوں کو بھی جو ہمارے ساتھ نہیں ہے ہمارے جیسے پارٹی کے ساتھ نہیں ہے ان کو میں دعوت دیتا ہوں پھر پڑھ سے آئے تاکہ اس ملک کو قابو پا لے.